देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान पुलिस और लोगों में कहा सुनी के मामले को लेकर कांग्रेसी नेता किशोर हालदार के नेतृत्व में तमाम युवकों ने थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। इस दौरान थाना अध्यक्ष द्वारा प्रदर्शन कर रहे युवाओं को समझाने का प्रयास किया, मगर सभी लोग धरने पर डटे रहे। दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान 12 अक्टूबर को नगर के मुख्य चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और लोगों के मध्य जमकर नोकझोंक हुई थी, और इस दौरान एक बच्ची और थाने में तैनात दरोगा चोटिल हो गए थे। बाद में दरोगा की तहरीर पर थाना पुलिस ने वकील से ही 4 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया था। इसी मामले में रविवार शाम कांग्रेसी नेता किशोर हालदार के नेतृत्व में दर्जनों युवकों ने थाना अध्यक्ष को निलंबित करने और मुकदमे वापस लेने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने युवकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मांगों पर डटे रहे। जिस तरीके से ये आज हम यहाँ बैठे थे, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम रात के समय थाना के सामने बैठने में मजबूर इसलिए है कि दशहरे की रात को 10 बजे चालान की कार्रवाई होती है और एक पूजा का माहौल है। वहाँ पे अपने परिवार बच्चों के साथ पिताजी हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं और सुपर राइडिंग के चालान इस चालान से वहाँ पर एक अफरातफरी का माहौल हो जाता है और 3-4 लोगों का जीवन बदली है। हमारे प्रशासन से मांग की है, इसके हिसाब से संबंध में हमने सोमवार को ज्ञापन भी सौंपा कि यहाँ पर जो वर्तमान समय में थानाध्यक्ष है वो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ पर नफे का कारोबार फंड रहा है और कुछ लोगों के दबाव के चलते एक हिंसा की भावना से हमारे बंगाली समाज के लोगों को कर गए, तो इसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा मांगा था। और उस दिन 3 मुकदमे हुए, जो गरीब लोग हैं उनका 6 मुकदमे वापस कर लिए और यहाँ पर जो थानाध्यक्ष है उनको यहाँ पर हटाया गया और साथ ही उनकी रास्ते चलाने की कार्रवाई सीज की गई है, वो गाड़ी को भेज जैसे कि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा 365 बार हमारे यहाँ पे बंगाली समाज बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस दौरान रात के 10:30 बजे हमारे पंडाल के 10 मीटर के दायरे में चालान काटा गया पुलिस द्वारा। इसके बाद जैसे कि सिर्फ 4 सवारी 3 सवारी को रोके, कोई दिक्कत नहीं, रात को रोके, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको पकड़ के गाड़ी का चालान किया गया, गाड़ी सीज किया गया, 500 का चालान काट के 5000 का चालान काटा। उसके बाद आपस में एक भाई हमारे माइकल भाई भूम प्रसाद माता भाई हुआ पिताधनी हुआ, उनके साथ हम देख के रुके, छोटा मुकदमा भी लगाया गया उनके ऊपर। फिर उनको हम गए उनके पास, पूछा क्या हुआ, फिर कुछ देर बाद वो पुलिस वाले आए सिगरेट प्रेस में आके सीधा मारना चालू कर दिया, डंडे से सीधा मारना चालू कर दिया। इसके दौरान हम लोग ये चाहते हैं कि जिनको वह जो मुकदमा किया गया है वो मुकदमा को वापस ले, झूठे मुकदमे जिनके ऊपर लगे हैं। अगर आपकी मांग अगर पूरी हम यही बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं।